और निःशुल्क मिला हुआ अनमोल चीज है जिसको किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। पीछे की चीज़ों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बनाया हुआ डिस्प्ले नहीं है, ये प्योर नेचर है, प्योर प्रकृति से प्रदत्त चीज़ें हैं। और ये रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी का एक अभिन्न अंग है जो खूबसूरती के लिए अपनी अलग पहचान रखती है। अब आपको यहाँ आने के लिए रोहतास से और रोहतास बंजारी जो मुख्य पथ है वहाँ से तेलकप से कशिश वाटरफॉल की ओर एक खूबसूरत सड़क पथ मिलेगा। वहाँ से आप जब फोर व्हीलर से, टू व्हीलर से, अन्य संसाधनों से आप यहाँ पहुँचेंगे ये परिदृश्य आपको मिलेगा। मैं बता रहा था कि ये जो खूबसूरत फूल देख रहे हैं इसकी कीमत किसी भी पैसे से नहीं लगा सकते हैं, इसकी एक अलग पहचान है। प्रकृति इसको एक अपने बाग का खूबसूरत पहचान दिया है। इसके रंग, इसके जो अपने तने हैं, पौधे हैं, और प्रकृति ने जिस तरह से अपने गोद में इसको सजाया है, वाकई ये किसी कैमरे से कीमत आंका नहीं जा सकता है। कैमरे कई तरह के होते हैं, एक आप आंखों से देखते हैं, एक कैमरे से देखते हैं। कैमरे के चीज़ों जो कैद होते हैं वो डिलीट हो सकता है, लेकिन आंखों से जब एक बार किसी को आप कैच कर लेते हैं तो वो मेमोरियल बनकर आपके जेहन में आजीवन स्लाइड करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीज़ों के अगर आप मुरीद हैं और आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो बिना देर किए इस कैमूर पहाड़ी की ओर आए। और दूसरा स्टेप ये है कि ये कैमूर पहाड़ी एशिया का नंबर वन सल्फर देने वाला सोनगंगा के जगह के नाम से जाना जाता था, केंद्र सरकार की प्रतिष्ठान थी। और हम अभी अमझोर के उसी हिल्स एरिया में हैं जहाँ संसाधन देने तो बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, लेकिन ये प्रकृति अभी भी उसी तरह से अपने ऐतिहासिक गवाह के लिए खड़ी है जिस तरह से एक खूबसूरत सौंदर्य आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगर आप बेहतर नेचर और सुकून और शहरों के साउंड वायलेशन से और या वहाँ के चीज़ों से आप डिप्रेसिड हो चुके हैं और आपको लगता है कि बेहतरीन पीसफुल जगहों पे हमें जाना चाहिए, तो शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे कश्मीर आदि जगहों पे जाने से पहले कम बजट में आप रोहतास के कैमूर पहाड़ी के इन अमझोर के कैमूर हिल्स का खूबसूरत दृश्यों का अपने अंदर अनुभूति करते कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त उदय तिवारी को दीजिए इजाज़त। अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे कि इस पहाड़ में कितने वन संपदा और कितने आयुर्वेद चीज हैं जो आपके